सिंह जी जिन्होंने आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के रूप में अपनी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मैं हिम्मत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि सरकार की जो एक ट्रांसपेरेंसी नीति है युवाओं के लिए, आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से युवाओं का विश्वास सरकार की नीतियों के ऊपर बढ़ा है, आज नौकरियों में जिस प्रकार से युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब व्यक्ति को भी सम्मान दिया गया है, बिना भेदभाव के आज नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को मिल रही हैं, इस बात को आगे बढ़ाने में हमारे युवा हिम्मत सिंह जी जिन्होंने आज ये पदभार ग्रहण किया है, उन युवाओं की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम करेगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीएम साहब, जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आया है, सोशियो इकोनॉमिक के नंबर खत्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी भर्ती पे असर पड़ा उसका। ये भर्ती जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पर आगे खड़ी हो गई है। अब ये भर्ती आगे चलेगी कैसे? क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां से स्टे का इंतजार करेंगे या इस फैसले को भी लागू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? सरकार का क्या नजरिया है? नहीं, देखिए, आने वाले अभी समय के अंदर हरियाणा में हम 50,000 और भर्ती सीगर करेंगे और इसके साथ साथ ग्रुप डी में भी हम जो युवाओं को नौकरी देने की बात है, ग्रुप बी के लिए भी हम युवाओं को और नौकरियों में इस कार्यकाल के अंदर जो हमारे पास समय बचा है इसके अंदर और भर्तियां करेंगे। और जो आपने ये सोशो इनकम की बात कही है और जिसके ऊपर कांग्रेस ने भी बड़ी तालियां पीटने का काम वो किया है, हमारी जो सोच है कि जो सरकार ने पीछे निर्णय लिया था कि एक गरीब परिवार का बेटा जो जिसके घर के अंदर कोई नौकरी नहीं थी, गरीब परिवार की विडो, गरीब परिवार का वो बालक जिस तक पीछे 2014 से पहले सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं करती थी, कहीं ना कहीं वो चाहे अपना टेस्ट भी क्लियर कर लेता था, परंतु जो गरीब व्यक्ति था वो तो सरकार की नौकरी के तक भी नहीं आता था। ये इस प्रकार का सिस्टम हमारी सरकार ने बनाया कि जिस परिवार के अंदर एक भी नौकरी लंबे समय से नहीं है, उस परिवार को हम 5 अंक देकर के उसको आगे लाने का काम ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर हमारी सरकार ने किया है। और इस फैसले का जो फर्स्ट बैच कोर्ट की थी उसने सराहना भी की है, ऐसा नहीं भी अच्छा काम किया है सरकार ने। सेकंड बैच का उनका मंथन कुछ और हो सकता है, उन्होंने अलग फैसला दिया है, परंतु गरीब की लड़ाई के लिए हमारी सरकार मजबूती से गरीब लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस के समय में जो इस बात का मजाक कर रहे हैं, जो ये बात बोल रहे हैं कि युवाओं का भविष्य अंधकार में किया, किसी का कोई अंधकार में भविष्य नहीं हुआ है। अगर किसी का हुआ है तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनका भविष्य अंधकार में हुआ है। मैं ये बात कहना चाहूंगा जो इसके ऊपर वो भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 अंक उस गरीब व्यक्ति को दिए गए हैं जिसके घर के अंदर कोई नौकरी नहीं था, और उसकी लड़ाई हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से लड़ रहे हैं।
ताकि उन गरीब लोगों को न्याय मिले, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवा को रोजगार मिले, इस बात को सुनिश्चित करना यह हमारी सरकार का दायित्व है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट और जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब, क्या हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे? भर्ती तब तक रुकी रहेगी या भर्ती कैसे रहेगी, मतलब भर्ती प्रक्रिया चलेगी कैसे? सोशल इकोनॉमिक के साथ नहीं, नहीं देखिए उसके लिए कुछ नहीं होगा, उसके उसके लिए हमने देखिए कोर्ट के अंदर उसको हम फाइंड कर रहे हैं और जल्दी ही उसका निर्णय आएगा। और हमारा ये भी उसी के अंदर है कि जो बच्चे उस प्रक्रिया के तहत नहीं आए हैं उन सबको भर्ती के अंदर लेंगे, परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस बात को लेकर के दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, कोई खिलवाड़ नहीं है। मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं बिल्कुल, ये 50,000 आगे समय ऐसा और हैं, ये 50,000 भर्तियों की बात, जो पहले चल रही है उसके अलावा 50,000 और, 50,000 की हम ये भर्तियां अभी करेंगे, कुछ दिनों के अंदर हो जाएगी, वो उसकी प्रक्रिया चली हुई है सारी की सारी। और युवाओं को जो सम्मान हमारी सरकार ने दिया है, आज तक के इतिहास के अंदर किसी भी सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया। मैं हिम्मत सिंह जी को मैं पुनः बहुत बधाई देता हूं कि उस सम्मान को, युवाओं को जो विश्वास उनका जमा है, उस विश्वास को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।